أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن يريد بكم الأسرة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام برادران الإسلام آج میں تمام لوگوں کے سامنے عید کے نماز کی फर्जियत के ताल्लुक से बात करने वाला हूँ जो कि आज हमारा माहौल पूरी दुनिया में करोना वायरस के पैंडमिक डिसीज़ की लॉकडाउन की वजह से चल रहा है तो हमें ये सरकार की तरफ से हमें ये हुकूमत की तरफ से ये बात मिली है कि हम अपने नमाजों को घरों के अंदर पढ़ा करें अभी तक तो हमने वही करते हुए आए और इंशाअल्लाह जबकि हमारे सामने ईद की नमाज का एक मसला आने वाला है तो ईद की नमाज घरों में किस तरह से अदा करें इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह मेरी बात रखने वाला हूँ। देखिए ईद की नमाज जुमा की नमाज जैसी नहीं है, ईद की नमाज जुमे की नमाज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि हम जुमे की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे तो घर में सिर्फ जोहर पढ़ेंगे, लेकिन ईद की नमाज उस जैसी नहीं है, वह एक अलग चीज़ या एक अलग चीज़। तो ईद की नमाज के ताल्लुक से जो शराइत बताते हैं ये हर एक के ऊपर, हर मोमिन के ऊपर, हर मुकल्लिफ के ऊपर ये फर्ज आइन है। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह से शेख उतैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख उल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों का जो लेना है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के हिसाब से कहते हैं ये फर्ज किफाया है। मतलब ये कि एक ग्रुप अगरचे ईद की नमाज अदा कर लेगी तो बाकी लोगों के ऊपर इसका गुनाह नहीं होगा। तो बहरहाल ये ग्रुप अदा करने का सवाल ही अभी पैदा नहीं होता। तो ऐसी हालत में क्या हम इनफरादी घरों के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो देखिए ईद की नमाज़ उसी तरह से हमें पढ़ना है जिस तरह से हम ईदगाह जाकर दो रकात पढ़ते हैं जायद 12 तकबीरों के साथ। हदीस के अंदर आता है ईद की नमाज़ का तरीक़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको ईदगाह ले जाते हैं और पहले दो रकात वाजिब नमाज ईद उल फित्र की अदा करते हैं। और नमाज का अदा करने का तरीका क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1151 और उसी तरह से जामिय तिर्मिजी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 432। इन दोनों हदीसों में बताया जाता है ईद की नमाज दो रकात है और हर रकात में तकबीर तहरीमा के बाद पहले 7 जायद तकबीर पढ़ना चाहिए और पहली रकात को सूरह फातिहा जम सूरह से मुकम्मल कर लेना चाहिए। जब आप दूसरी रकात के लिए उठ के खड़े होते तो फिर आपको 5 जायद तकबीरात को कहना चाहिए और सूरह फातिहा जम सूरह और पूरी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। ये नमाज का तरीका रहेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, लेकिन हम जब आपके घरों के पास नमाज अदा करते हैं तो कोई खुतबा नहीं। और जुमे ईद उल फित्र के खुतबे के ताल्लुक से जब बात आती तो ये सुन्नत है। ईद उल फित्र का खुतबा जो है ये सुन्नत है। और देखिए इसके अंदर के तकबीरात के मरहले डिफरेंट डिफरेंट हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 6 जायद तकबीर हैं और इनको छोड़कर 3 अइमा सलासा और कई सारे सही हदीसों के अंदर ये बात आती है कि ईद की नमाज में पूरे 12 जायद तकबीर हैं जो कि 7 पहले रकात में 5 दूसरी रकात में अदा कर लेना चाहिए। क्या है तरीका? वो तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर उनके हाथ बांध लेते हैं, सना पढ़ते हैं, तऊज पढ़ते हैं, फिर जो है 7 जायद तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, इसी तरह से 7 जायद तकबीर पढ़ते हैं। और बात आती है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला का तरीका था, वो कहते हैं एक हदीस के अंदर फिकुल हदीस की जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 555 में लिखा हुआ है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं एक तकबीर के दूसरे तकबीर के बीच में एक छोटी सी आयत या एक कलाम, एक बात कर लेने का वक्फा रहना चाहिए।
अल्लाह अकबर कह के फौरन फिर को अल्लाह अकबर नहीं कहना, बल्कि अल्लाह अकबर के दरमियान में जो है थोड़ा सा वक्फा रहना चाहिए। इस तरह से 7 जायद तकबीर पहले रकात में पढ़ते हैं किरात से पहले, और दूसरी रकात में 5 जायद तकबीर किरात से पहले पढ़ लेते हैं और फिर नमाज को पूरी कर लेते हैं। अगरचे कोई ईदगाह में नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज मिस हो गई, वो ईदगाह नहीं जा सका, तो ऐसी हालत में हम घर आके इस नमाज को अपने घरों में अदा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपके चॉइस है कि आप अकेले नमाज अदा करो या आपके फैमिली मेंबर्स को मिला के आप नमाज अदा करो, ये दोनों चॉइस जो है आपको दे रखी है, क्योंकि उलेमाए दीन के पास दो अलग अलग कौल हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि चाहे तो आप इंफरादी पढ़ सकते हैं या जो है आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी जो है लेके नमाज पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक हदीस हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आती है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा ईद की नमाज नहीं पढ़ पाए थे ईदगाह पे, तो वो घर आए और अपने बीवियों को अपने घर वालों को सबको जमा करे और अपने आजाद करदा गुलामों को भी जमात करे। उनमें से एक शख्स को जो है एक आजाद करदा गुलाम को इमाम बनाकर जो है हजरत अनस बिन मालिक नमाज अदा करते हैं ईद की। तो इससे ये भी मालूम होता है कि ईद की नमाज घर में हमें पढ़ सकते हैं नॉट बट कंडीशंस में, जबकि आज हमारे पास नॉट बट कंडीशंस ही हैं। तो आपको ये चॉइस दी जा रही है कि आप अकेले पढ़ो या आपके फैमिली मेंबर्स को मिला के पढ़ो, पढ़ सकते हैं, लेकिन खुतबा की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुतबा ये सुन्नत है। जैसे कि नमाज जुमा का खुतबा होता है वह फ़र्ज होता है, वो वाजिब होता है, लेकिन खुतबा ईद जो होता है वो सुन्नत होने की वजह से जो है इसको खुतबा को नहीं अदा करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप अपनी नमाज को भरपूर पूरी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सही हदीस के अंदर 12 तकबीरात के ताल्लुक से बताई गई है, इंशाल्लाह ताला आप उसी को फॉलो करेंगे तो अच्छा। अब इसमें और एक डाउट है, कैसा है वो तकबीर में रफ़ल अदन करना है या नहीं। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले आम दिनों में रफ़ल अदन जहां पे करना था उसको नहीं करते, लेकिन ये जो ईद की नमाज में जो है रफ़ल अदन 6 तकबीर को रफ़ल अदन करते हैं। लेकिन हदीसों के अंदर बात आती है रफ़ल अदन, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह लिखते हैं, रफ़ल अदैन की कोई हदीस, यानी नमाज में ईद की नमाज में हर तकबीर के साथ रफ़ल अदैन करना, ऐसी कोई ठोस हदीस मुझे नहीं मिली। ये शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह की रिसर्च है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि इसको रफ़ल अदैन करें तो कोई गुनाह नहीं, नहीं करें तो भी कोई गुनाह नहीं, लेकिन तकबीरात को तो कहना चाहिए। तकबीर जो है सुन्नत ही है। इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगरचे कोई तकबीर नहीं कहा तो उसको सहू कर लेना चाहिए, सहू सजदा कर लेना चाहिए, लेकिन दीगर अइमा के नज़दीक और हदीसों के अंदर भी यही बात मिलती है कि तकबीर सुन्नत है, यानी तकबीर जायद तकबीर जो होते हैं वो सुन्नत होते हैं। इसके इसके छूट जाने से या इस तकबीर को भूल जाने से या आगे पीछे हो जाने से जो है नमाज में सहू ज़रूरी नहीं है, तो यह ख्याल कीजिएगा। और हम नमाज में जब रफ़ल अदैन करते हैं तो हाथों को उठाएं ना उठाएं, रफ़ल अदैन को हाथ उठा करना उठाना है या नहीं है, इसके बारे में भी जो है कहता है उठाए तो भी चलता, नहीं उठाए तो भी चलता, कोई हर्ज नहीं, इसमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है जो तरीका उठा के नमाज पढ़ेंगे तो यही अच्छा होगा। क्योंकि जो लोग इस हदीस को मानते हैं उनकी हदीस यह है, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 782 में एक हदीस है, वो लेते हैं, लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले जितने भी तकबीरात करते थे, रुकू से पहले जितने भी तकबीरात करते थे सब में रफ़ुल अदैन करते थे, चाहे वो आम नमाज की बात ले लो या ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज की बात ले लो, रुकू से पहले जितने भी तकबीर पढ़ते उसमें जो है आप रफ़ुल अदैन कर लेते हैं, ये हदीस से साबित होता है, और रफ़ुल अदैन करना ही एक अच्छा अमल होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप इन बातों को गौर कीजिएगा और अपने नमाजों को जो है अपने घरों में इंशाअल्लाह ताला इस साल के लिए अदा कर लीजिएगा। हुकूमत को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए, हमें कभी भी इस्लाम नहीं सिखाता कि अपने माहौल को बिगाड़े, इस्लाम कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता। हम सबको एक दूसरे का साथ देते हुए अपने जैसे कि फ़र्ज नमाजों को अपने घरों में पढ़ते हैं, तो ये जो है फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ आइन है, ये नमाज इसको अपने घरों में पढ़ें, चाहे तो आप अकेले पढ़ें या अपने फैमिली मेंबर्स को साथ लेकर पढ़ें, दोनों भी आपके लिए चॉइस है। इंशाल्लाह ताला आप इसी तरह से अपने ईद की नमाज को जो है मुकम्मल करेंगे। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।